इसलिए मेंटल इंटेलिजेंस के इन 7 नियमों को अपनाएं। 2 तरीके हैं जिनसे आप किसी भी सिचुएशन पर कंट्रोल पा सकते हैं। आपके बिलीव्स आपको सक्सेस या फेलियर के लिए तैयार करते हैं। हेलो ब्रेन बुक आर्मी, स्वागत है आपका ब्रेन बुक चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। आज का ये वीडियो सक्सेस और पर्सनल अचीवमेंट के लीडिंग राइटर्स में से एक ब्रायन ट्रेसी की किताब मैक्सिमम अचीवमेंट पर आधारित है, जिसमें आप सीखेंगे कि कैसे आप अपनी जिंदगी में अपने मन चाहे और बेहतर रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस वीडियो में बताई जा रही अनमोल जानकारी में खो जाएं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके अपने चैनल ब्रेन बुक पर मैं आपके लिए लाइफ चेंजिंग और इंस्पायरिंग बुक्स की कंप्लीट बुक समरीज लेकर आता हूं। तो अगर आपने अभी तक ब्रेन बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबा दें, ताकि आप देख सकें इन वीडियोस को सबसे पहले। इस किताब को अच्छी तरह और आसानी से समझने के लिए मैं इसके 11 चैप्टर्स को एक एक करके आपको डिटेल में बताऊंगा, और वीडियो के अंत में बताए गए सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को शॉर्ट में दोबारा दोहराऊंगा, ताकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको आसानी से याद रहें। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। चैप्टर 1, मेक योर लाइफ अ मास्टरपीस। अपनी पूरी जिंदगी को मास्टरपीस यानी कि कमाल का बनाने के लिए आपको अपनी जिंदगी के हर एरिया में मास्टर बनना होगा। ऐसा करने के लिए आपको अपने अंदर की शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। साथ ही इससे पहले इस बारे में पूरी जानकारी लें कि आप क्या चाहते हैं या किस एरिया में मास्टर बनना चाहते हैं। इसके बारे में सोचें कि जब आपका गोल पूरा हो जाएगा तो वो कैसा दिखेगा, क्योंकि जब आपको पता होता है कि आप असल में क्या चाहते हैं, तब उसे हासिल करने के लिए अपने आप को पूरे दिल से उसके प्रति समर्पित कर सकते हैं। गोल को पूरा करने की शुरुआत में आपका पहला काम एक क्लियर पिक्चर तैयार करना है। इसके लिए सोचें कि जो आप चाहते हैं वो असल में कैसा दिखेगा। अपनी जिंदगी में मास्टरपीस बनने के लिए आपको सक्सेस के इन 7 स्टेप्स को पालन करना होगा। पहला स्टेप है, मन की शांति से काम करें, क्योंकि जल्दबाजी में हमेशा कोई भी काम परफेक्ट नहीं होता। दूसरा है, हेल्थ और एनर्जी पर ध्यान दें, मतलब अपने काम को करने में अपनी पूरी एनर्जी का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। तीसरा है, रिश्तों को प्यार से निभाएं, इसके लिए अपनों के साथ वक्त बिताएं और खुश रहें। चौथा है, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना, मतलब इतने पैसे कमाएं कि सभी जरूरतें पूरी हों और इसके बारे में चिंता करने की जरूरत ही ना पड़े। पांचवा है, आइडियल गोल बनाएं, अपने गोल्स को लेकर क्लियर रहें कि वो आपको खुशी देते हैं या नहीं, और याद रखें कि अगर वो आपको उसे याद करके या उसके लिए काम करके आपको खुशी मिलती है तो वो आपके लिए आइडियल गोल है और उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। छठा, सेल्फ नॉलेज और सेल्फ अवेयरनेस हासिल करना है। राइटर बताते हैं कि जब आप पूरी नॉलेज के साथ अवेयर होकर किसी काम को करते हैं तो उसे अच्छी तरह और दूसरे काम की तुलना में अच्छा कर सकते हैं। सातवां, आत्म संतुष्टि का एहसास करना, इसके लिए अपनी सभी चिंताओं को छोड़कर अपने मास्टरपीस भविष्य का विजन यानी डिजायरेबल गोल पर ज्यादा ध्यान दें। जब आप इन सभी स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करते हैं तो आप जिंदगी के किसी भी एरिया में मास्टर बन सकते हैं और अपनी पूरी जिंदगी को मास्टरपीस बना सकते हैं। चैप्टर 2, 7 रूल्स ऑफ मेंटल इंटेलिजेंस। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बेहतर ऑप्शन चुनें। आप जो कुछ भी हैं या जो कुछ भी बनेंगे ये आप पर डिपेंड करता है, इसलिए वो सभी चीजें सीखें जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकती हैं, क्योंकि आपका भविष्य काफी हद तक इस बात से बनता है कि आप प्रेजेंट से क्या सीखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। आप जो करते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं और जिन लोगों से आप जुड़ते हैं और जिनसे बातचीत करते हैं, उससे आप प्रभावित होते हैं। इसलिए मेंटल इंटेलिजेंस के इन 7 नियमों को अपनाएं जो आपको बेहतर बनने में मदद करेंगे। कंट्रोल का नियम, आप किसी भी सिचुएशन के बारे में कैसे सोचते हैं ये तय करता है कि आप कैसा महसूस करते हैं, और आपकी भावनाएं आपका बिहेवियर बनाती हैं। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल
सब कुछ आपकी सोच पर कंट्रोल करने से शुरू होता है, इसलिए अपनी सोच पर पूरा कंट्रोल रखें। दो तरीके हैं जिनसे आप किसी भी सिचुएशन पर कंट्रोल पा सकते हैं। सबसे पहले आप आगे बढ़ें और उस सिचुएशन को बदलने के लिए कुछ करने के लिए एक्शन लें, और दूसरा आप बस दूर जा सकते हैं, मतलब जो चीज आपको परेशान कर रही है उसे छोड़कर कुछ दूसरा काम करने में बिजी हो सकते हैं। कॉज और इफेक्ट का नियम। याद रखें कि आपकी जिंदगी में हर सिचुएशन के होने के पीछे का एक कारण होता है। आपके थॉट आपकी जिंदगी की सरकमस्टांसेस के पीछे के कारण हैं। आपकी जिंदगी में सब कुछ किसी न किसी तरह के विचार से शुरू हुआ है। आज आप जो कुछ भी हैं या कभी बनेंगे वो आपके सोचने के तरीके से तय होता है। अगर आप अपनी सोच को बड़ा रखते हैं तो अपनी जिंदगी में आप मुकाम भी बड़े हासिल करेंगे। इसलिए अपने विचारों और भावनाओं में बड़ी कामयाबी के बारे में सोचें और विश्वास करें ताकि इसके अनुसार रिजल्ट्स मिल सकें। भरोसे का नियम। आप जो कुछ भी मानते हैं, विश्वास करते हैं, वो असली असलियत बन जाता है। हमेशा जरूरी नहीं है कि आप जो देखते हैं उस पर भरोसा करें, बल्कि राइटर सुझाव देते हैं कि हर सिचुएशन में वो देखने की कोशिश करें जो आप मानते हैं। आपके बिलीव्स आपको सक्सेस या फेलवर के लिए तैयार करते हैं, इसलिए उन चीजों पर भरोसा करना बंद करें जो आपको लिमिटेड करते हैं, और उन पर भरोसा करना शुरू करें जो आपको अपनी काबिलियत का एहसास करवाने, आगे बढ़ने और खुश रहने में योगदान देते हैं। तभी आप अपनी सक्सेस के लिए पूरी कोशिश कर पाएंगे। उम्मीद का नियम। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आप जिस किसी भी चीज के ऊपर भरोसे के साथ उम्मीद करते हैं वो आपको मिल जाती है। पॉजिटिव उम्मीद की शक्ति आपकी पूरी पर्सनैलिटी और आपकी जिंदगी को बदल सकती है, इसलिए हमेशा अपने आप से सबसे अच्छे की और बड़े की उम्मीद करें। अट्रैक्शन का नियम। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं, इसलिए ध्यान रखें कि आप यूनिवर्स से अपने लिए क्या मांग रहे हैं। हमेशा बेहतर पाने की सोच रखें, पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव सोचें। मनचाही चीजों के बारे में सोचें और इसे याद रखें कि आप उन सभी चीजों को पा सकते हैं जिसे आप पाने में विश्वास रखते हैं। अगर आप भी अपने विश्वास की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं और एक सकारात्मक जीवन जीना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं और सफलता पाना चाहते हैं, तो हमने अपनी वेबसाइट brainbook.in पर पॉजिटिव अफर्मेशंस और लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के कुछ ऑडियोज बनाए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इन ऑडियोज को डाउनलोड कर सकते हैं। करस्पोंडेंस का नियम। हमारी बाहरी और अंदरूनी दुनिया आपस में जुड़ी होती है। आप बाहर जैसे रिजल्ट्स चाहते हैं उन्हें अचीव करने से पहले अंदर से उसे हासिल करने लायक इंसान बनने पर ध्यान दें, और बाहरी चीजों को बदलने का सबसे पहला तरीका अंदरूनी चीजों को बदलना है। जब आप अंदर से एक अच्छा नजरिया रखते हैं तो आपकी बाहरी दुनिया भी वैसी ही नजर आती है, क्योंकि बदलाव हमेशा सबसे पहले अंदरूनी होते हैं, फिर उनका रिजल्ट बाहर दिखता है। मेंटल सिमिलैरिटी का नियम। आपके विचार आपकी कल्पना और भावनाओं से भरे होते हैं जो आपकी असलियत बन जाते हैं। आप ज्यादातर समय जो सोचते हैं उसके अनुसार ही काम करते हैं, मतलब जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि आप वही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं। अगर आप अपनी सोच बदलते हैं तो आप अपनी जिंदगी भी बदल कर बेहतर बना सकते हैं। आपके जीवन में जो कुछ भी होता है वो सबसे पहले विचार के रूप में शुरू होता है, इसलिए अपने विचारों को पॉजिटिव रखें ताकि अपनी जिंदगी में पॉजिटिव, बेहतर और मन चाहे रिजल्ट्स हासिल कर सकें। चैप्टर 3 मास्टर्स प्रोग्राम। अपने जीवन को बदलने में मास्टर प्रोग्राम का मतलब लाइफ में एक पॉजिटिव नजरिया अपनाना है। ये तय करता है कि आप चीजों को और अपने भविष्य को कैसे देखते हैं। इसके लिए अपने बारे में एक पॉजिटिव नजरिया बनाएं, अपने आप को एक सकारात्मक इंसान के रूप में देखें। इससे आप अपने विश्वासों को कंट्रोल कर सकते हैं और उन्हें डिजायरेबल डायरेक्शन में लगा सकते हैं ताकि मन चाहे रिजल्ट्स मिल सकें। इसके लिए इस बारे में सोचें कि आप किसकी तरह बनना चाहते हैं और फिर उसके लिए जरूरी आदतों को अपनाना शुरू कर दें। अगर अपने बारे में आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट नेगेटिव है, यानी कि आपकी सोच नेगेटिव है, तो 21 दिनों के लिए पॉजिटिव विचारों को अपनाएं और इन्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड में शामिल होने दें।
इस तरह आप खुद को देखने और दूसरों की तरफ अपने बिहेव करने के तरीके को आसानी से बदल सकते हैं। अपनी आइडियल जिंदगी के बारे में अपने दिमाग को ट्रेन करने के लिए विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करें। हर रोज 5 से 10 मिनट विजुअलाइजेशन करें। इसी के साथ साथ अपनी मन चाहे आइडियल इंसान की तस्वीर, उससे रिलेटेड कोट्स आदि के साथ एक पोस्टर डिजाइन करें और उन्हें दीवार पर चिपका दें। पोस्टर इस तरह से बनाएं जो आपके आइडियल जिंदगी को एकदम सही तरीके से दर्शाता हो। आपकी जिंदगी में सभी सुधार आपके दिमागी सुधार के साथ शुरू होते हैं, इसलिए इस प्रैक्टिस को अपनाने से आपके दिमाग में मौजूद पिक्चर बोर्ड के अनुसार विचारों, भावनाओं, शब्दों और काम को ट्रिगर करते हैं। मतलब सारा बदलाव अंदर से बाहर की ओर तेजी से होना शुरू हो जाता है। सारे बदलाव सेल्फ कॉन्सेप्ट से शुरू होते हैं, इसलिए अपने बाहरी रूप को देखने से पहले आपको वो इंसान बनना चाहिए जो आप उसे हासिल करने के लिए अंदर से बनना चाहते हैं। इसलिए इसे पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ शुरू करें। अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तो एक आईने के सामने खड़े होकर क्लियरली और पूरी फीलिंग के साथ कहें, मैं ये कर सकता हूँ। ऐसा करने से इसमें आने वाले चैलेंजेस से निपट कर आगे बढ़ने के लिए आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इस तरह की प्रैक्टिस से जैसे कि आप अपनी इंटरनल अंडरस्टैंडिंग और इंटेलिजेंस में सुधार करते हैं तो आपके बाहरी रिजल्ट्स अपने आप सुधरने शुरू हो जाते हैं और इस तरह आप वही बनने लगते हैं जिस तरह से आप खुद को देखना चाहते हैं। दोस्तों, जीवन में सफल होने के लिए दो और बातें जो मैंने सक्सेस हैबिट्स की ऑडियो बुक कुकू FM ऐप पर सुनते हुए सीखी हैं, वो ये हैं कि पहला ये कि आपकी छोटी छोटी आदतें हैं जो ये तय करती हैं कि आज आप क्या हैं और फ्यूचर में आप क्या होंगे, और दूसरी बात ये है कि आपके जान पहचान वालों में से 99% लोग अच्छा लाइफस्टाइल नहीं जी पाएंगे क्योंकि वो इतने आलसी हैं कि वो अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर नहीं आएंगे। तीसरी हैबिट जानने के लिए आप कुकू FM ऐप इंस्टॉल कर सक्सेस हैबिट्स की ऑडियो बुक सुन सकते हैं। ऑडियो शोज ना सिर्फ हमारा टाइम बचाते हैं बल्कि कुकू FM पर आपको मिलती हैं 1000 से भी ज्यादा बुक समरीज, इंस्पिरेशनल बायोग्राफीज और भी बहुत कुछ, वो भी सिर्फ एक बुक की कीमत में। और यही नहीं, इन ऑडियो बुक्स को आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी सुन सकते हैं। इस ऐप की सालाना सब्सक्रिप्शन 399 रुपए है, पर अगर आप BB50 कोड को यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट, यानी कि अब आपकी सालाना सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 रुपए की होगी जो कि रोज के 1 रुपए से भी कम है। याद रखें, ये स्पेशल 50% डिस्काउंट सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड है, तो देर मत कीजिए और इस स्पेशल डिस्काउंट का फायदा उठाकर अपनी लाइफ में एक जादुई बदलाव लाएं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर कुकू FM ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चैप्टर 4, मास्टरमाइंड। जैसा कि आपने जाना कि आपकी बाहरी दुनिया आपकी अंदरूनी दुनिया से जुड़ी होती है, आपके साथ क्या होता है ये काफी हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके अंदर क्या हो रहा है। समय के साथ आप अपनी जिंदगी में अपने बारे में अपने अंदरूनी भरोसे के जरिए अपनी बाहरी जिंदगी को बनाते हैं। आपके दिमाग में चीजों को करने की शक्ति है, इसलिए इस बारे में सोचें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और अपने गोल्स तय करें। फिर सिर्फ उन गोल्स के बारे में सोचें, फिर अपना ज्यादातर समय उन गोल्स के बारे में सोचने में बिताएं। अपने दिमाग में किसी भी तरह के नेगेटिव विचार ना आने दें। अगर आप अपने आप को नेगेटिव सोचते हुए पाते हैं तो उसके बजाय पॉजिटिव विचारों को लाने की कोशिश करें। नामुमकिन के बजाय जो मुमकिन है उस पर ध्यान दें। ये आपको तेजी से पॉजिटिव विचारों को अपनाने में मदद करेगा। सन 1800 के दशक के अंत में जेनेवा में एक डॉक्टर ने रिसर्च में ये पाया कि उनके कुछ मरीज दूसरों की तुलना में तेजी से ठीक हो रहे थे। ये किसी चमत्कारिक दवा के कारण नहीं बल्कि पॉजिटिव सोच के कारण था। डॉक्टर ने हर एक मरीज से हर रोज कम से कम दिन में 3 बार ये कहने को कहा कि हर दिन हर तरह से मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। नर्सें भी मरीजों से कुछ इस तरह से कहती थी कि आप हर दिन बेहतर दिख रहे हैं। इस तरह की पॉजिटिव सोच ने सबको भरोसा दिलाया कि वो ठीक हो रहे हैं, जिससे वो असल में जल्दी ठीक होने लगे। इसलिए आपको जो कुछ भी बनना है वो बनने के लिए ज्यादा कॉन्शियसली जीना शुरू करें। अपने विचारों और भावनाओं के प्रति ज्यादा जागरूक बने
तभी आप अपने दिमाग का इस्तेमाल सही तरीके से कर पाएंगे और अपने गोल्स को पूरा कर सकेंगे। चैप्टर 5 मास्टर अ स्किल। गोल्स तय करके और उनको पाने के लिए योजना बनाने की एबिलिटी ही सक्सेस की मास्टर स्किल है। सफलता आपके गोल के बराबर होती है और गोल्स ही आपकी जिंदगी के वैल्यू को तय करते हैं। लेखक कहते हैं कि अपनी जिंदगी में कोई ना कोई गोल जरूर बनाएं ताकि आप अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल तरीके से जी सकें। जिंदगी में मास्टर स्किल का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले तय करें कि आप क्या चाहते हैं, फिर वो वैल्यू तय करें जिसे आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए देने के लिए तैयार हैं। उसके बाद गोल के लिए जरूरी एक्शंस की एक योजना बनाएं, जिसमें अपने गोल्स को पाने के लिए जो भी जरूरी हो वो करने की क्लियर प्लानिंग करें। फिर अपनी योजनाओं या गोल को पूरा करने के लिए आपको बदलाव की जरूरत होने पर बदलने के लिए तैयार रहें। अपने गोल या इरादे से कभी भी ना चूकें और बड़े गोल तय करें, क्योंकि ये आपको कुछ नया सीखने, अपने आप को बेहतर बनने और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का अच्छा मौका देते हैं। जब आप गोल तय करके उन्हें पाने के लिए प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं तो आप अपनी जिंदगी में मास्टर स्किल को पा लेते हैं, जो आपको अपनी पहले से बेटर पर्सनैलिटी और सक्सेस के रूप में आपको मिलती है। चैप्टर 6 मास्टर पावर। राइटर कहते हैं कि आप कभी भी बाहर से परमानेंट रूप से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते अगर आप उसके लिए अंदर से पूरी तरह से तैयार नहीं होते हैं। आपकी ताकत का इस्तेमाल सही ढंग से तभी किया जा सकता है जब आप किसी काम को करने के लिए तैयार रहें। इसलिए अपने मनचाही चीजों को सच करने के लिए उन पर ज्यादा ध्यान दें, पॉजिटिव एस्पेक्ट पर ज्यादा ध्यान दें, तभी आप अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करके अपने ट्रू गोल्स को पूरा कर सकेंगे। चैप्टर 7 मास्टर डिसीजंस। हमारे फैसले ही किसी काम को पूरा करने में जरूरी रोल निभाते हैं, जिससे हमें हर चीज मिलती है। इसका शुरुआती पॉइंट ये है कि आप जो हैं, जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं, उसके लिए अपनी पूरी जिम्मेदारी को निभाएं। अगर आप अपनी जिंदगी में चीजों को बदलना चाहते हैं तो उसकी जिम्मेदारी खुद लें। उसके लिए आप अपने आप को बेहतर बनाने बदलने के लिए तैयार रहें। आपकी सोच, आपके पॉइंट ऑफ व्यू आपके बिहेवियर को तय करते हैं। मैच्योरिटी तभी आती है जब आप आखिर में महसूस करते हैं कि अपनी मदद करने से पहले कोई और आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। सबसे पहले आपको अपनी मदद खुद करनी है, उसके बाद लोग आपकी मदद करने के लिए आगे आएंगे। इसलिए राइटर कहते हैं कि अपनी पूरी जिम्मेदारी लें, अपने सभी बहानों को छोड़ दें। हो सकता है कि ये आपके द्वारा अब तक की सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो, लेकिन सही रिजल्ट्स पाने के लिए ऐसा करने के लिए तैयार रहें। जिम्मेदारी लेने की आदत आपको पूरी तरह से मैच्योर, पूरी तरह से काम करने वाले और सेल्फ रियलाइजेशन करने वाला इंसान बनाती है। जैसे कि भरोसे का नियम कहता है कि आप जो कुछ भी मानते हैं, भावना के साथ आप जो कुछ भी मानते हैं, वो आपकी असलियत बन जाती है। इस तरह जिम्मेदारी से सोचने से आप वही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं। इसलिए आज से ही जिम्मेदारी से सही फैसले लेने शुरू करें और अपनी अच्छी जिंदगी को हासिल करने के लिए सही कदम उठाएं। चैप्टर 8 मास्टर गोल्स। हम सभी गोल्स तो बना लेते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के समय के बीच में हम चिंता, डर और सभी तरह के तनाव का सामना करते हैं। असल में तनाव बाहर होने वाली घटनाओं के कारण नहीं होते हैं। नेचुरल रूप से स्ट्रेसफुल सिचुएशन जैसी कोई चीज होती ही नहीं, बल्कि सिर्फ स्ट्रेसफुल रिएक्शंस होते हैं जिन्हें आप अपनी रुकावटों के रूप में देखते हैं। मतलब कि आपके साथ जो होता है उसमें तनाव आपके साथ नहीं होता है, बल्कि ये आपके रिएक्शन पर डिपेंड करता है। ऐसी सिचुएशन में आप स्ट्रेसफुल तरीके से जवाब देना चुन सकते हैं या आप शांत दिमाग से जवाब देने का ऑप्शन चुन सकते हैं। चुनाव सिर्फ आपका ही होता है, लेकिन इनके रिजल्ट्स में काफी फर्क होता है। इसलिए शांति और समझदारी से सिचुएशन को रिस्पोंड करने का चुनाव करें। सोचें क्या सच में इन्हें अपनाना सही रहेगा। हमेशा अपने आप से पूछें, अगर मैं आगे बढूं तो सबसे बुरी चीज क्या हो सकती है। फिर पूछें, अगर मैं सफल होता हूं तो सबसे अच्छी मुमकिन चीज क्या हो सकती है। नाकामयाबी के लिए तैयार रहें और कामयाब होने की चाहत के साथ आगे बढ़ें। और याद रखें, फेलियर कभी आखिरी मंजिल नहीं होती,
फेलुअर सिर्फ उन लेसन को सीखने का एक तरीका है जो सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है। असफलता से निपटते हुए आगे बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंट इंसान बने। चुनौतियों का लगातार ईमानदारी से सामना करने से आप ज्यादा कॉन्फिडेंट और काबिल इंसान बन जाते हैं, अंदर से ज्यादा मजबूत और ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं। इसलिए अपने काम या प्राइवेट लाइफ में नापसंद सिचुएशन से डरना बंद कर दें और उनका सामना करते हुए उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें। सोच समझकर पॉजिटिव विचार करें, आशावादी नजरिया अपनाएं, इस तरह सोचें, क्रिएटिव तरीके से सोचने की कोशिश करें। अंदरूनी शांति को अपने सबसे बड़े गोल के रूप में तय करें। ऐसा करने से आप बेस्ट पॉसिबल एक्शंस लेते हुए आगे बढ़ सकेंगे और एक बेहतर जिंदगी को हासिल कर सकेंगे। चैप्टर 9, बिकम मास्टर इन ह्यूमन रिलेशनशिप। जीवन में आपकी सक्सेस 85% आपके सोशल स्किल्स यानी कि दूसरों के साथ पॉजिटिव और सही ढंग से बातचीत करने की आपकी एबिलिटी से तय होती है। आप दूसरों को जिंदगी में जो देते हैं वही आपको बदले में अपने जीवन में वापस मिलता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप दूसरों को वो दे रहे हो जो आप उनसे अपने लिए जिंदगी में चाहते हैं। लोगों से मुस्कुराहट के साथ मिलें और उसी तरह बात करने की कोशिश करें। हर किसी को जो आपको कुछ देते हैं उन्हें थैंक यू कहने की आदत अपनाएं। अपने पूरे दिन में उन लोगों को थैंक यू कहें जो आपके लिए कुछ करते हैं। आपके पास जो कुछ है उसके लिए आप जितने ज्यादा थैंकफुल होंगे उतनी ही ज्यादा चीजें आपके तरफ आकर्षित होंगी और लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप पहले से बेहतर बनेंगे। ये इंसानी फितरत है कि हम हमेशा अपना ज्यादातर ध्यान उन लोगों और चीजों पर देते हैं जिन्हें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। इसी तरह किसी की बात ध्यान से सुनना जिससे आप ये दिखाते हैं कि आप दूसरे इंसान को कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं। ध्यान से सुनने से दोनों के बीच भरोसा पैदा होता है, सुनने से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। किसी दूसरे इंसान की बात को अच्छी तरह से सुनना अच्छे कम्युनिकेशन स्किल की पहचान होती है। इसलिए एक्टिव रूप से सुनने के लिए अपना ध्यान लगाएं और अपने आप को बोलने वाले इंसान की बातों पर फोकस्ड रखें जिससे आप सही तरीके से सुन और समझ पाएंगे। याद रखें, जब आप बोल रहे हो तो आप सिर्फ वही कह सकते हैं जो आप पहले से जानते हैं, लेकिन जब आप सुन रहे होते हैं तो कुछ नया सीख सकते हैं। इसलिए दूसरों को सुनने और समझने की कोशिश करें, इससे लोग अपनी ज्यादा बातें आपसे करना पसंद करेंगे और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और इस तरह अच्छे रिलेशंस के साथ और अच्छी नॉलेज के साथ आपको एक खुशहाल जीवन जीने में मदद मिलेगी। चैप्टर 10, बिकम अ मास्टर इन इंडिविजुअल रिलेशनशिप। जीवन में रिश्ते बहुत जरूरी होते हैं जिनकी वजह से खुश रहने और आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलती है। सक्सेसफुल रिश्तों के लिए 6 नियम हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने रिश्तों में महारत हासिल कर सकते हैं। अपने रिश्तों में समानताएं देखें ताकि आप उन्हें समझ सकें। अपने कॉम्पिटिटर्स को खुद की भावनाओं पर हावी ना होने दें, उनके साथ मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। अपनी कमिटमेंट को पूरा करें। अपने आप और दूसरों में अच्छाइयां देखें। लोगों से अच्छी तरह से बात करें। इसके लिए आप अपनी बात कहने के साथ साथ उनकी बात सुनने और समझने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए अच्छे और मजबूत रिश्ते बनाने के लिए इन्हें अवॉइड करें। कमिटमेंट करके उसे पूरा ना करना, इसकी बजाय कमिटमेंट को पूरा करें। दूसरे इंसान को बदलने की कोशिश करना या दूसरे इंसान से बदलने की उम्मीद करना, वो जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करें और बेहतर बनने के लिए पुश ना करें बल्कि इंस्पायर करें। दूसरों की काबिलियत या सफलता से जलना, इसकी बजाय उनकी अच्छाइयों में खुश हों। अपने आप को कम या छोटा मानना, इसके बजाय दोनों को बराबर माने। दूसरे इंसान से नेगेटिव उम्मीद करना, उनसे उतनी ही उम्मीद रखें जितनी वो पूरा कर सकते हैं। इनकंसिस्टेंसी मतलब समय समय पर बात ना करना या ना मिलना, इसकी बजाय समय समय पर बात करते रहें और मिलते रहें। जब हमें प्रॉब्लम पता होती है तो हम उससे बाहर भी आ सकते हैं। ठीक इसी तरह इन प्रॉब्लम्स को जाने और इन्हें अपने अच्छे रिश्तों के बीच में ना आने दें। चैप्टर 11, मास्टरी इन लव, द पावर ऑफ लव। जीवन में सही तरह से उन्नति करने के लिए प्यार का होना बहुत जरूरी है। प्यार आपको खुशी देता है और खुशी के साथ आप पूरे होने का एहसास करते हैं। भरोसे का नियम कहता है कि आप जो कुछ भी भावना के साथ मानते हैं
वो आपकी असलियत बन जाता है। प्यार की भावना पाने के लिए अपने आप को बिना किसी शर्त के स्वीकार करें, चाहे आपने अतीत में कुछ भी किया हो या ना किया हो। अपनी जिंदगी और अपने सभी कामों के रिजल्ट्स के लिए पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करके आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और पर्सनल वैल्यू की भावना को जगा सकते हैं। आप अपने लिए मीनिंगफुल गोल तय कर सकते हैं। अगर आप एक बड़ा गोल सेट करते हैं तो इससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है। फिजिकली और मेंटली अपना अच्छी तरह से ख्याल रखें, ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या अपने आप से प्यार बढ़ाने का चौथा तरीका है। मैं खुद से प्यार करता हूँ, इस सेंटेंस को बार बार दोहराएं। ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाने का सबसे तेज तरीका है। एक बार जब आप अपनी इज्जत करना शुरू कर देते हैं तो आप अपने आप से प्यार करना भी शुरू कर देते हैं। फिर आप आसानी से दूसरों से प्यार करने और उनकी देखभाल भी कर सकते हैं। ये हेल्दी सुखी इंसान की निशानी है। खुद से प्यार आपको अपने हर काम में महान और बड़े दिल वाला बनाता है। अपने आप से प्यार और अपने प्रति दया दूसरों की तरफ प्यार और दया की भावना पैदा करते हैं। प्यार सिर्फ बांटने से बढ़ता है और इसे बांटने से ही आप अपने लिए और ज्यादा प्यार पा सकते हैं। आपका जीवन वही है जो आप अपने द्वारा तय प्रायोरिटीज और उन चीजों से बनाते हैं जिन पर आप अपना ध्यान फोकस करने के लिए चुनते हैं। प्यार के जरिए आप अपनी हर खुशी को हासिल कर सकते हैं और जब आप खुश होते हैं तो अपने गोल्स को पाने के लिए सही कदम उठाते हैं। बदले में आपको अपने मनचाहे रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। इसलिए हमेशा खुद से और दूसरों से प्यार की भावना को बनाए रखें ताकि अपनी जिंदगी में ज्यादा खुशी और कामयाबी को आकर्षित कर सकें। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के एंड में मैं बताए गए सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा दोहराऊंगा, तो चलिए सारी इम्पोर्टेंट बातों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए मेंटल इंटेलिजेंस को अहमियत दें। आपकी बाहरी दुनिया आपकी अंदरूनी दुनिया से जुड़ी होती है, इसलिए पॉजिटिव विचारों और भावनाओं को सोचें और महसूस करें, गोल तय करें और उनको पाने के लिए प्लानिंग करें। दूसरों को ध्यान से सुनें, सुनने से सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ता है। अपने बेहतर कल के लिए हमेशा खुद में और दूसरों में प्यार की भावना जगाएं। अगर आप भी अच्छी हैबिट्स अपनाकर अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए डाउनलोड लिंक पर जाकर कुकू FM ऐप इंस्टॉल कर सक्सेस हैबिट्स की ऑडियो बुक सुन सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मैक्सिमम अचीवमेंट बुक पर बना ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्दी आपके लिए एक नया लाइफ चेंजिंग वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो।